नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे है। वीडियो है जो आइसक्रीम का फ्रिज होता है वो कैसे, उसको लेने की फुल प्रोसेस क्या है, आइसक्रीम में कितना मार्जिन होता है, कहाँ से आइसक्रीम लेनी है और कहाँ से फ्रिज लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को उसके लिए देना पड़ता है, तमाम जानकारी लेके आया हूँ मैं आइसक्रीम के फ्रिज के ऊपर और आइसक्रीम के ऊपर, क्योंकि मैंने आइसक्रीम का फ्रिज रिसेंटली लिया है। तो उसी डिटेल में आप लोगों के साथ, उसकी पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आइसक्रीम का जो भी किसी भी कंपनी की आइसक्रीम ले सकते हो आप, किसी भी कंपनी का फ्रिज उसी कंपनी का आएगा जिस कंपनी की आप आइसक्रीम लोगे। दूसरी बात, आइसक्रीम का फ्रिज लेने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या आप लोगों का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास। पहला नंबर, एक फोटो लगेगा, आधार कार्ड फोटो और एक बिजली का बिल, करंट बिजली का बिल। ये नहीं कि कोई पुराना उठा के पकड़ा दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा। नया जो आपका अभी का हाल का रिसेंटली या पिछले महीने का बिल आया है वो बिल आप, उसकी फोटो कॉपी देनी है सेल्फ अटेस्ट करके, खुद साइन करके, ठीक है। ये तीन डॉक्यूमेंटेशन चाहिएंगे और आप लोगों को आइसक्रीम का फ्रिज मिल जाएगा। मिलेगा कैसे उसकी प्रोसेस बता दो। 25,000 आप लोगों को बोलेंगे, वो 25,000 रुपये तक का आइसक्रीम लेनी पड़ेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आइसक्रीम वाले जहाँ भी जाओगे कम से कम आपको 15,000 रुपये की आइसक्रीम लेनी पड़ेगी। आप उसको बोलना मेरे पास 25 नहीं है, मेरे पास इतने है, तो वो इतने में आप लोगों को दे देगा। तो आप लोगों को 25,000 नहीं 15,000 रुपये की आइसक्रीम लेनी पड़ेगी, उसके साथ आप लोगों को फ्रिज फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्रिज का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उस फ्रिज को आप बेच नहीं सकते हो, पहली बात मैं बता दूं। कभी आप सोचो आपका हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे को जो फ्रिज मिला है उसने मेरे को बोला है कि ये फ्रिज हम आपसे सर्दियां स्टार्ट होंगी तब ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लेंगे। वो थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्टिंग है, उन साथ मेरा व्यवहार कैसा रहेगा उसको देखते हुए वो छोड़ भी देंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता आपके व्यवहार पे कि कैसा आपका व्यवहार है, क्या आप उससे रेगुलर माल ले रहे हो, ठीक है। कई बंदे क्या करते हैं कि फ्रिज तो ले लिया एक बार, उससे माल ले लिया, दूसरी बार दूसरी कंपनी का माल ले लेते जो उनको मतलब सस्ता पड़ता है, तो इस कारण शायद वो फ्रिज आपका उठा ले सर्दियों में। वैसे नहीं उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा माल उनसे भी लेते रहो और वहाँ से भी ले लो, ठीक है। तो फ्रिज का ये फुल प्रोसेस है आपका लेने का। अब बात कर लेता हूँ इसमें आइसक्रीम की, कितना मार्जिन होता है। मेरे पास इसका क्वालिटी की आइसक्रीम है और इसमें मार्जिन मैं आप लोगों को बता दूँ, उसने मेरे को दिया है 16.66% का मार्जिन आप मुझे मिला है। यानी कि टोटल जितनी भी वैल्यू होगी उसका जो, यानी मैंने ली है 18,000 समथिंग के कुछ और मुझे देने पड़े हैं 15,000 कुछ, ठीक है। तो 16.66% का आप लोगों को आइसक्रीम के ऊपर मार्जिन होने वाला है। क्वालिटी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल तो, मैं और बहुत कंपनियां हैं जो मतलब 30-30, 40-40% तक मार्जिन देती है। आप उसकी भी एक दो प्रोडक्ट रख सकते हो अपना मार्जिन निकालने के लिए। अब बात कर लेता हूँ बिजली के खर्चे की। देखिए बिजली के खर्चे की बात करूं मैं, 24 में से 24 घंटे आप इस फ्रिज को चला के रखना पड़ेगा, 24 में से 24 घंटे फ्रिज को चला के रखना पड़ेगा। अगर ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3 घंटे है, ये अगर 3 घंटे आपकी लाइट चली गई जैसे, ये 3 घंटे तक आपकी आइसक्रीम को ठीक रख सकता है, उसके बाद सारी आइसक्रीम बहना शुरू हो जाएगी। तो फ्रिज को कंटिन्यू चला के रखना पड़ेगा, और अगर आपके पास बिजली चली गई तो आपके पास 2 बैटरी का इन्वर्टर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं, ये मत सोचना कि मैं चलो फ्रिज ले आया छुट्टी, नहीं। किसी दिन अगर बिजली चली गई आपका सारा माल खराब हो जाएगा। 3 घंटे से ऊपर बिजली जाते ही, 2.5-3 घंटे से ऊपर बिजली जाते ही सारा माल खराब हो जाएगा, ना बिकेगा ना कुछ, एकदम से सारा नुकसान हो जाएगा। तो डबल बैटरी का आपको इन्वर्टर भी रखवाना पड़ेगा, और डबल बैटरी के इन्वर्टर में ये छोटा फ्रिज होता है जो चल जाता है। चलिए मैं आपको एक बार अपने फ्रिज के पास लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा फ्रिज, ये फ्रिज है और ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्वालिटी वाल्स, क्वालिटी कंपनी का ये फ्रिज मुझे मिला है। और ये अभी इसकी कूलिंग की बात कर लूँ मैं आप लोगों को, शायद यहाँ से दिखाई दे रही होगी, ये खोलता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ तक बर्फ़ जमी पड़ी है, दिख रहा है, ये माइनस टेम्परेचर का फ्रिज होता है। इसमें हर तरह की क्वालिटी आप लोगों को मिलेगी, हर तरह की आइसक्रीम आप लोगों, ये फुल भरा हुआ है नीचे से ऊपर तक, यानी कि 15,000 रुपये के माल में ये ऊपर से नीचे तक फुल हो गया। आप लोगों को मैंने फ्रिज दिखा दिया, इस फ्रिज को मैं 24 के 24 घंटे चला के रखता हूँ। आप लोग बोलोगे कि फिर तो बिजली का बिल बहुत आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा बिजली का बिल। आइसक्रीम का फ्रिज और आइसक्रीम का काम वही करे जिसके आइसक्रीम बिकती हो, कॉलोनी है, मेन बाजार है, कहीं भी कर लो, लेकिन जहाँ पे अच्छी खासी हरी भरी कॉलोनी है। ऐसा मत करना कि एक दो घर है, एक दो घर दूर दूर है, वहाँ पे आइसक्रीम का काम नहीं चलेगा, आपका बिजली का ही खर्च पूरा नहीं होगा। तो जहाँ पे हरी भरी कॉलोनी हो, मतलब पूरे मकान बने हुए हो, वहाँ पे आइसक्रीम का काम करना, काम बढ़िया चलेगा, दबा के चलेगा।
मेरे पास जब से मैंने ये मेरे पास 3 दिन हुए इस फ्रिज को लाए हुए और दबा के कस्टमर आ रहे हैं, मतलब इतना ही मेरा मतलब कन्फेक्शनरी का और आइटम बिक रहा है और इतनी ही आइसक्रीम बिक रही है, दबा के काम हो रहा है आइसक्रीम का। गर्मियों में इसका आइसक्रीम का काम भी बहुत बढ़िया चलता है। बहुत से भाई ये सोचते होंगे कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता लेकिन बिल ज़रूर आएगा, जितना ये चलेगा उतना नहीं उतना ही आएगा, लेकिन इस पे मार्जिन भी तो देखो तगड़े वाला मिलेगा आपको, गर्मियों में आइसक्रीम खूब बिकेंगी। मैं एक सुझाव देऊंगा आपको अपनी तरफ से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं, जिस भी कंपनी का फ्रिज लो, आइसक्रीम्स ऐसी भी आती हैं जो आपके लोकल एरिया में बनती है, वो आइसक्रीम भी इसमें रख लीजिएगा। 30-30% तक का मार्जिन होता है, 35-35, 40-40% इसमें, हालांकि 16-17 के करीब मिला, 16.5 के करीब, उसमें 30-30, 40-40 के मतलब बिजली का खर्चा बाहर के बाहर निकल जाएगा। अगर आप लोगों को इसी कंपनी का फ्रिज चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ और आपको साइड स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, 1800-10221 ये इनका नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है क्वालिटी का। इस पे आप कस्टमर केयर से बात करके उनसे प्रोसेस जान सकते हैं कैसे कैसे फ्रिज मिलेगा, आपके एरिया में कौन फ्रिज दे रहा है। आप सबसे पहले तो यही पूछना कि मेरे एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो अपने आप बता देंगे कि आपके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर वो है, आपसे कॉन्टैक्ट अपने आप करा देंगे, फिर वहाँ पे जाके आप लोगों को पता करना कि फ्रिज लेने की फुल प्रोसेस क्या है। हो सकता है आपके एरिया में कुछ अलग हो, मेरे यहाँ कुछ अलग हो, तो आप लोगों को बेहतर जानकारी तो आपके एरिया से ही मिलेगी, लेकिन मार्जिन का जैसा मैंने आपको बताया इतना ही होगा, 16-17 के करीब क्वालिटी का। ठीक है, वीडियो समझ में आ गई। आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर मैंने आइसक्रीम की वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे कि भैया आइसक्रीम के फ्रिज के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो ले आया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।